7.5 करोड़ से होगा बूहल और देहरखट का तटीयकरण। कृषि मंत्री ने भरमाड़ में 9 ट्यूबवेल का भी किया शिलान्यास। कहा, हर घर तथा खेत तक पानी पहुंचाना है सरकार का मुख्य लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में हर घर तक पेयजल तथा हर खेत तक सिंचाई सुविधाओं को पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए क्षेत्र में ट्यूबवेल का जाल बिछाया जा रहा है। कृषि मंत्री विधानसभा की मैरा बुसकांडा पंचायत में 9 ट्यूबवेल का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हैं। उन्होंने बताया कि भरमाड़ क्षेत्र में 5.31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन ट्यूबवेलों से 124 परिवारों की 145 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि ज्वाली विधानसभा में 15 और ट्यूबवेल लगाए जाएंगे जिनकी डीपीआर स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी जा चुकी है और जल्दी इनका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि बरसात के समय बोहल और देहरखट के पानी से लोगों के घरों तथा खेतों को बहुत नुकसान पहुंचता है तथा इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए दोनों खड्डों पर 7.5 करोड़ रुपए की राशि से तटीकरण किया जाएगा जिसकी डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी और पशुपालन ही गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं और इन गतिविधियों में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं लेकर आ रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि जब तक खेतीबाड़ी से किसान की मासिक आय 25,000 नहीं होती तब तक इस क्षेत्र में युवाओं का रुझान आशाजनक नहीं रहेगा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की है, तो इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार प्राकृतिक खेती से उत्पादित 20 क्विंटल अनाज की खरीद की जाएगी। इसके तहत 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 30 रुपये की प्रति किलोग्राम की दर से मक्का खरीद की जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि अगले माह से प्रदेश में पशुओं की गणना शुरू की जाएगी तथा डिजिटल ऐप पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशु गणना से किसानों के पास दूध देने वाले पशु और बिना दूध वाले पशुओं की संख्या के बारे में स्थिति साफ होगी तथा सड़कों पर बेसहारा पशुधन से भी निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि लोगों की खेती को बेसहारा गोवंश से बचाने के साथ ही इससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और पशुधन को स्थायी आसरा मुहैया करवाने के लिए पशु गणना के बाद प्रदेश सरकार रणनीति बनाएगी। इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास बख्शी, अधिशासी अभियंता अजय शर्मा, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विशाल, बीडीओ फतेहपुर सुभाष अत्री, बीडीओ नगरोटा सूर्या श्याम सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्षा इंदुबाला के साथ अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज हमारे सिंचाई विभाग के जो हमारे ऑफिसर साहबान, उन्होंने प्रयास करके आज 9 ट्यूबवेल जो हैं उनका शिलान्यास जो है वो आपके इस मैरा बुसकांडा पंचायत में रखा है। इसके लिए आप लोगों को भी भाजपा और जो हमारे 9 ट्यूबवेल हैं उनके विस्तार से मैं अभी चर्चा करूँ। जो अप्रूव हुए हैं जिनके ऊपर काम जो है वो चला हुआ है, इसमें अनोटा फाटक, अनोटा पत्थर, रसोली, तारानाल, अरडियार, खराट, तिहाल, झिकली, समराना और मैरा 9 ट्यूबवेल जिनके ऊपर लगभग जो है वो 5 करोड़
30,47,000 क्या खर्च, करोड़ों की बात कर रहा हूँ, लाखों की ना। और ये इसके बाद 15 और ट्यूबवेल जो है वो आगे क्षेत्र में, आप अंदाजा लगाइए कि 9 ट्यूबवेलों का जो आपको सौगात मिली है इससे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी इस इलाके के कृषि पशुपालन करने वाले लोगों के लिए अच्छी जो है वो तोहफा है। और ये जब ट्यूबवेल तैयार होकर के काम करेंगे तो हमारी गांव की जो है वो सिंचाई की बेहतर, और जो हमने 15 ट्यूबवेल और जो हमने सबमिट किए हैं उनके ऊपर 13,74,00,000 रुपया जो है वो, इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास अभी है और इसके बाद में मैं आपको काम शुरू हो जाएगा फिर आपको जो है मैं बताऊँगा कौन कौन। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ और ये बहुत पहले मुझे पता है ये इलाका जो था वो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का इलाका था और मेरा जो गलेर विधानसभा क्षेत्र का वो फूलगढ़ के पास, और जहाँ एक ट्रायल बोरी की थी ट्यूबवेल की ट्रायल बोरी, सुधान सिंह पठानिया जो स्वर्गीय हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने वो ट्रायल बोरी करवाई थी। मैं कई बार कहता था, मैंने कहा इसको चुनाव जैसे ही अगर सिंचाई नहीं हो सकी तो पीने का पानी दे दो, लेकिन एक भी बात उस वक्त उस वक्त कोई सुनवाई नहीं आ लोगों की। आज मेरा अपने ही पंचायत में यहाँ प्रेम जी बैठे हैं, कम से कम कोई 10 ट्यूबवेल जो है वो आज मेरा में आया छोटा के भेंट में है, साफ सुथरा पानी आज लोग पी रहे थे। नहीं तो घड़ा उठा करके आपको कोसों मील जो है वो पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। आज तो पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आपकी गाय और भैंस जो है वो